दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। राजस्थान जो मेरा अकाउंटेट प्रति एक गुना की वो कट ऑफ, इतने नंबर वाले सिलेक्शन जोन में जूनियर अकाउंटेट प्रति की एक गुना यानी कि फाइनल वो कट ऑफ कितनी जा सकती है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। और इसके साथ ही जूनियर अकाउंटेट प्रति दो गुना का रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसकी भी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर अकाउंटेट प्रति एक गुना यानी कि फाइनल वो कट ऑफ को कितने नंबर जा सकती है, तो देखिए दोस्तों पूरी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं जे आर फाइनल वो कट ऑफ, इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले वो जनरल कैटेगरी। जनरल वो कैटेगरी की जिनके भी 52 से 54% यानी कि 1% तो नंबर है वे फाइनल वो सिलेक्शन जोन के अंदर है और इनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 52 से 54 के बीच जिनके तो नंबर है। इसके अंदर आप तो प्लस और तो माइनस 1 से 2% वो कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 से 2% तो रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ फाइनल दोस्तों तो लगभग 49 से 53% यानी कि 49 से 53% रह सकती है। इसके अंदर ही तो प्लस माइनस 1 से 2% तो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की भी तो लगभग 48 से 52% रह सकती है। इसके अंदर ही आप तो प्लस माइनस 1 से 2% कर सकते हो। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी को कैटेगरी के अंदर जिनके भी 47 से 50% के बीच तो नंबर है उनका सिलेक्शन जोन के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी कैटेगरी जिनके भी 45 से 49% के बीच वो नंबर बन रहे हैं सिलेक्शन जोन के अंदर है। जिनके भी 45 से जितने भी एससी और एसटी के दोस्त हैं, एससी और एसटी को कैटेगरी आपको मैं बता दी, लगभग 46 से 49% के बीच तो रह सकती है। इसके अंदर लगभग 46 से 49% इसके अंदर आप तो प्लस माइनस 1 से 2% वो कर सकते हो। इसके अलावा तो महिला अभ्यर्थी जिनके भी 40+% तो नंबर बन रहे ये सिलेक्शन जोन के अंदर है, इसके अंदर ही आप प्लस माइनस 1 से 2% कर सकते हो। तो महिला अभ्यर्थियों के अंदर अलग अलग कैटेगरी तो लगभग जनरल की थोड़ी ऊपर जा सकती है। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी फिर एससी और एसटी की तो महिला है तो लगभग 40% से ऊपर जिनके भी तो नंबर बन रहे 40% से ऊपर वे सिलेक्शन जोन के अंदर है। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का तो परिणाम का वो कब तक आ सकता है वो दोगुना रिजल्ट दोस्तों, तो लगभग आपका अप्रैल एंड अगर अनुमति मिल गई तो अप्रैल एंड या फिर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती चुनाव आयोग द्वारा अगर तो परमिशन मिल जाती है तो अप्रैल एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर आएगा। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो आपका फाइनल रिजल्ट 4 जून के बाद ही आएगा। अगर अपडेट ऐसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।